एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। तो मेरे ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग का टाइम हो रहा था और मैं यहाँ पे कर रही थी पूजा, क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग में नहा धो के पूजा करना सबसे पहले होता है, उसके बाद ही सारे काम होते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है और धूप ले ली है, तो धूप बत्ती मतलब, तो वो मैंने तुलसी जी में लगा दी है। वहाँ पे तुलसी जी की भी पूजा कर दी है बाहर। सुबह सुबह मॉर्निंग का रोज का ये रूटीन होता है मेरा। देखिए, हम मेरी यहाँ पे पूजा हो चुकी थी और उसके बाद मैं आ गई रसोई में लंच बनाने के लिए। तो यहाँ मैं रोटी सब्जी बना दी थी और अपनी चाय गर्म करके ले जानी थी, वो मैंने जल्दी से अपनी चाय गर्म कर ली और अब पियेंगे घर में बैठ के चाय। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैं चाय गर्म करके ले आई थी और मेरा बेटा खा रहा था रोटी। उसे सुबह सुबह रोटी चाहिए थी, उसे चाय नहीं पीता है वो, तो यहाँ पे वो रोटी खा रहा था और हम चाय पी रहे थे, मैं और मेरी बेटी परी, हम चाय पी रहे थे। और चाय पीने के बाद, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आज बाल धोए थे अपने, वॉश किए थे, तो मैंने ऐसे ही बांध लिए थे ऊपर क्लैचर लगा के। तो यहाँ मैं कर रही हूँ कंघी, जल्दी मैं अपने बालों की कंघी कर लेती हूँ और फिर करूँगी घर के बाकी काम। अभी मैंने कोई भी काम नहीं किया है, अभी रजाई गद्दे वगैरह सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, झाड़ा नहीं है अभी मैंने बेड। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने कंघी कर ली थी अपने बालों की और उसमें मैंने बाल को वॉश किया था, तो मैंने यहाँ पे कंघी कर ली। तो अब इसके बाद करूंगी थोड़ा सा घर का काम। अभी सामान सारा फैला पड़ा है, यहाँ पे टेबल पे भी पड़ा है, यहाँ सोफा ही पड़ा है, और गद्दा भी अभी ठीक नहीं किया है मैंने, वो भी ठीक करूंगी। और जो मैंने ड्रायर मंगाया था वो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने वहां पे रख दिया है। तो देखिए, ये ड्रायर मैंने यहाँ पे रख दिया है, ये देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस था। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये मैंने ड्रायर मंगाई थी, जो मैंने यहाँ पे कोने में रख दिया है क्योंकि यहाँ पे स्पेस था, तो मैंने यहाँ पे रख दी है, यहाँ पे बन गई है, काफी अच्छी लग रही थी। और बच्चों ने अपने अपने खिलौने वगैरह रख दिया, एक एक रैक सबने ले लिया और दो रैक मैंने ले लिया है, क्योंकि मेरा ज्यादा सामान था तो दो रैक मैंने ले लिया, एक एक इन्होंने ले लिया। एक ये परी की है, एक ये दक्षू की है, और ऊपर वाले में चार्जर वगैरह रख दिया है, पापा और नीचे वाली दो मेरी है, ठीक है। तो सबने एक एक ले लिया है, ये तो ये काफी यूजफुल चीज है। तो आज ही मैंने इसकी अनबॉक्सिंग करवाई है, जो मेरे हस्बैंड ने करी है, वो मैं वीडियो इस आप देख सकते हैं, इसी ब्लॉग के अंदर मिलेगा आपको, तो वो भी देख सकते हैं आप, वो भी काफी अच्छा है, आप देखिएगा। तो ये काफी यूजफुल चीज है, अगर आपको अगर बाय करनी हो तो मैं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप वहां से बाय कर सकते हैं। और मेरे अगर लिंक से आप लेते हैं तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा पहले ऑर्डर पर, तो आप जरूर बाय करें, काफी अच्छा प्रोडक्ट है। तो अब मैं करती हूँ घर का काम, तो आप मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिए फ्रेंड्स। अगर मेरा ब्लॉग आपको थोड़ा सा भी पसंद आया करे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करा करें। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी गद्दा झाड़ूंगी यहाँ पे, और रजाई वगैरह मैंने उठा के रख दी है, और बेड वगैरह मैं झाड़ दूंगी बढ़िया तरीके से, और झाड़ने के बाद बेडशीट इस पे बिछा दूंगी, बेडशीट मैंने झाड़ दी वो भी बिछा दूंगी, और उसके बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू। पर अभी मैं झाड़ू बाद में लगाऊंगी, पहले जो ड्रॉर मैंने 5 लेयर की मंगाई थी, पहले वो उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 5 लेयर की ड्रॉर हमने मंगाई थी वो ऐसे बॉक्स में आई थी, काफी अच्छी बॉक्स में पैकिंग करी हुई थी। तो देखिए, इन्होंने ये बॉक्स खोल दिया है, और खोलने के बाद पहले ये निकालेंगे ये बॉक्स, जो ये डब्बे होते हैं लेयर में लगे हुए स्टैंड है, वो भी निकाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे पैकिंग आती है ये ड्रॉर, और काफी यूजफुल चीज है, आप इसे जरूर बाय करें, ये घर में होनी चाहिए, छोटे मोटे सामान होते हैं उन्हें रखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, ये निकाल के रख दिए, अब इनको ही लगा के दिखाएंगे कि ये कैसे लगेगी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये 5 बॉक्स हैं, 5 हैं, कितने कितने हैं? 1 2 3 4 5 हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी ये लगा के दिखाएंगे आपको ये कैसी है, और ये काफी अच्छी होती है, यूजफुल होती है, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो इधर उधर पड़ी होती हैं, तो हम इसमें रख सकते हैं, काफी यूजफुल प्रोडक्ट है ये। तो अभी इसकी सारी लेयर ये जोड़ के दिखाएंगे आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ड्रॉर जो है वो लगाई जा रही है स्टैंड के अंदर, तो आप पूरा प्रोसेस देख सकते हैं कि ये ड्रॉर कैसे मंगाई जाती है और कैसे इसे लगाया जाता है, काफी इजी तरीका है इसको लगाने का।
तो पहले सारे स्टैंड जोड़े जाएंगे और फिर उसके अंदर बॉक्स लगाए जाएंगे तो सारी रेडी हो जाएगी। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं टर्न बाई ये बना देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ड्रॉर जो थी वो मेरे हस्बैंड ने रेडी कर दी थी और फिर मैं इसकी जगह बना रही थी कि इसको रखना कहाँ है। तो ये बेड के पास थोड़ी जगह थी तो मैंने यहाँ पे झाड़ू मार के यहाँ पे रखना चाहिए, तो ये सही से आ नहीं रही थी। फिर मैंने इसको फिक्स किया बढ़िया तरीके से यहाँ पे, बाद में ये आ गई यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। अगर मेरा ब्लॉग आज का आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें।